वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टडी विद करण यादव। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ गए हैं बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं का जो संस्कृत है, ठीक है, उसके चैप्टर नंबर 11 व्याकरण पोथी कथा से जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम 2021 में पूछे जा सकते हैं, उन सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का संग्रह है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो शुरू करने से पहले एक आवश्यक सूचना, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। सबसे हमारा पहला प्रश्न है कि व्याकरण पोथी कथा के रचनाकार कौन है, ठीक है, नारायण पंडित, ठीक है। अगला है हमारा व्याकरण पोथी कथा कस्यात ग्रंथ उद्धृत अस्ति, व्याकरण पोथी कथा किस ग्रंथ से लिया गया है, तो किस ग्रंथ से लिया गया है, हितोपदेश साथ, मतलब हितोपदेश ग्रंथ से लिया गया है, ठीक है। चलिए अपना तीसरा नंबर प्रश्न देख लेते हैं। हमारा तीसरा नंबर प्रश्न है व्याकरण पोथी कथा कस्मात खंडात संकलित, मतलब किस खंड से संकलित है व्याकरण पोथी कथा, तो मित्र खंडनम, ठीक है, मित्र लवनाम खंडनम, ठीक है। अगला चौथा नंबर प्रश्न है क्रिया बिना किम भार, काम के बिना कौन सा भार है, ज्ञान, ठीक है, ज्ञान। अगला है हमारा क्रिया के बिना कौन सा क्या भार है, तो ज्ञान, ठीक है। हमारा पांचवा नंबर प्रश्न है व्याकरण पोथी कथा कस्य दुष्परिणाम प्रकटयंती लोभस्य, ठीक है, मतलब किसके दुष्परिणाम को प्रकट करती है, तो लोभ, लालच है, ठीक है। अगला हमारा छठा नंबर प्रश्न है पशु पक्षी कथा नाम मूल्यम के साम शिक्षार्थ भवती मानव नाम, ठीक है। चलिए हम अपना सातवां नंबर प्रश्न देख लेते हैं, व्याघ्रस्य हस्ते किम अस्ति, बाघ के हाथ में क्या था, स्वर्ण कुंडल, ठीक है, स्वर्ण कुंडल। अगला है हमारा आठवां नंबर प्रश्न दुराचारी को अस्ति, दुराचारी कौन था, बाघ, व्याघ्र, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला हमारा नौवां नंबर प्रश्न है क स्नात कुशहस्त सरस्त तीर ब्रूते व्याघ्र, मतलब कौन स्नान करके नदी के किनारे बैठा हुआ था, तो बाघ, ठीक है। चलिए हम अपना दसवां नंबर प्रश्न देख लेते हैं। दसवां नंबर प्रश्न है वृद्ध व्याघ्र किम दातुम इच्छन्ति सम, मतलब बूढ़ा भाग क्या देना चाहता था, स्वर्ण कुंडल, ठीक है। चलिए ग्यारहवां नंबर प्रश्न है पथिक कुत्र निगम अभवन, अब पथिक जो था राही वो कहाँ चल गया, महापंख के पंख में चला गया, ठीक है। अगला हमारा एक बारहवां नंबर प्रश्न पथिक केन व्यापादित दिश्च व्याघ्रेण, ठीक है, मतलब पथिक किसके जाल में फंस गया, बाघ का, ठीक है। अगला हमारा तेरहवां नंबर प्रश्न है भो भो पंथा इदम डैश गृहताम, इदम मतलब भो भो पंथा, अरे राही इसे लेकर जाओ, तो इसे लेकर जाओ मतलब उसमें क्या लेकर जाने के लिए बोला गया है, स्वर्ण कुंडलम, ठीक है, स्वर्ण का कंगन था वहीं। चौदहवां नंबर प्रश्न है व्याघ्र डैश प्रसार्य दर्शयति हस्तम, ठीक है, व्याघ्र अपना हाथ उठाकर दिखलाता था, ठीक है। हमारा पंद्रहवां नंबर प्रश्न होगा इस चैप्टर का सबसे अंतिम प्रश्न, जिसमें बोला जा रहा है तदु पदेश दिदाना महिम कथम क न, तो फिल्म द ब्लैंक से इसमें क्या बनाएगा, तो विश्वास भूमि, ठीक है। इस प्रकार 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न, ठीक है, जो कि चैप्टर नंबर 11 से थे, वो समाप्त होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगला वीडियो में, तब अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, और इस सीट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।